पिछले 5-6 महीने से अब तक यही सुनने में आ रहा था कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में इमरान हाशमी विलन का रोल निभाते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इमरान हाशमी की कुछ पिक्चर्स भी सामने आई थी जिसमें वो जिम में पसीना बहाते दिख रहे थे। तब भी कहा जा रहा था कि इमरान अपनी बॉडी टाइगर 3 के लिए ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में इमरान ने तो ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर फैंस का ना सिर्फ दिल टूटा बल्कि वो तो कंफ्यूज भी हो गए। कंफ्यूज इस बात को लेकर कि अगर इमरान टाइगर 3 का हिस्सा नहीं थे तो पिछले 5-6 महीने से लगातार ऐसी खबरें क्यों आ रही थी। भाई, बॉलीवुड में तो बिना चिंगारी के धुआं उठता ही नहीं है, तो भला इमरान के टाइगर 3 में होने की खबरें जो इतने दिनों से आ रही थी उसे लेकर इमरान ने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। अब जब फिल्म की ऑलमोस्ट आधी शूटिंग हो गई है उसके बाद इमरान का जो बयान सामने आया है वो सुनकर फैंस सोच में पड़ गए हैं। खैर, अगर अब इमरान टाइगर 3 में विलन नहीं बन रहे तो आखिर कौन सा एक्टर फिल्म में विलन बन रहा है। वैसे अब तक इमरान के अलावा किसी और एक्टर का नाम सामने तो आया नहीं है, ऐसे में अब इमरान झूठ कह रहे हैं या सच, इसको लेकर अब इंतजार ही करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि खबरें थी कि इमरान हाशमी फिल्म में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक एजेंट के किरदार में होंगे। सलमान यानी कि टाइगर पहले की तरह भारतीय खुफिया एजेंसी के रॉ एजेंट का रोल निभाएंगे। और बताया जा रहा है कि इमरान हाशमी का यह नेगेटिव किरदार उनके पहले के निभाए सभी किरदारों से काफी ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होगा। खैर, अब इमरान के इनकार के बाद इस बात का अब इंतजार रहेगा कि अगर सच में इमरान टाइगर 3 का हिस्सा नहीं है तो अब फिल्म में विलन कौन बनेगा। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आप टाइगर 3 में एज अ विलन किसे देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।